हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम केतन जैन है और आज के वीडियो में बनाने वाले हैं हाउ टू गेट एप्स इजीली एंड फास्टली। सो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि हाउ टू गेट एप्स लाइक योर्स, सिक्स पैक ऐप कैसे बनाएं विद नो जिम और लेस इक्विपमेंट्स, घर पे कैसे बनाएं ऐप्स। सो सबसे बेसिक फंडा है ऐप्स का कि ऐप्स इज लाइक मसल। जैसे बॉडी में सब नॉर्मल मसल्स होते हैं, जैसे बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, चेस्ट हो गया, वैसे ही ऐप्स भी एक मसल है। तो उस मसल को बनाने के लिए हम लोग को पहले बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। सो यू कैन डेवलप ऐप्स, आप ऐप्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो, लेग रेजेस कर सकते हो, बट उससे आपके ऐप्स मसल डेवलप तो होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। सो ऐप्स मसल को आपको दिखाने के लिए आपको सबसे पहले बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। सो मोस्टली बहुत लोगों के बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होते हैं, 20-25%, लाइक वो लोग ओवरवेट होते हैं तो उसकी वजह से उनके ऐप्स या फिर दूसरे मसल्स दिखते नहीं है। सो बेसिक लॉजिक है कि अगर आपको कोई मसल सबको अच्छे से डेफिनेशन आना चाहिए, अच्छे से दिखने चाहिए फोटोज़ में, प्रॉपरली मसल दिखने चाहिए, उसके लिए आपको बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपका एब्स डेवलप हो जाएंगे। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं वो है लेग रेजेस, जो मेनली फोकस करेगा हमारे लोअर एब्स के ऊपर, और इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं। सो ये एक्सरसाइज आपको 2-3 सेट करने हैं 10-15 रेप्स के अकॉर्डिंगली। अगर आप बिगिनर है और आपको ये लेग रेजेस थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव है, वो हम करेंगे नी रेजेस। वो ऐसे परफॉर्म करते हैं, नी बेंड करके अप डाउन अप डाउन। सो आप अगर बिगिनर है तो आप ये वाला एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा आप लेग रेजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे वो क्रंचेस, जो कि बहुत लोगों को पता होगा पहले से, बट ये एक्सरसाइज से आपके एब्स मसल ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये फोकस करते हैं हमारे जो मेजर अपर एब्स है उसके ऊपर। सो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको ज़मीन पे से लाइट डाउन करना है और लेग्स ऐसे फोल्ड करके 1, 2, 3 जैसे आप ऊपर आओ वैसे आपको स्क्वीज करना है एब्स को। तो ये आपको 2-3 सेट परफॉर्म करना है 10-15 रेप्स। सो ये भी आप अपने ऐप्स वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो टू गेट बेटर ऐप्स। और इसके बाद हम करेंगे थोड़े सो थर्ड एक्सरसाइज है प्लैंक, जो कि सबको पता है, बट मेजरली ये एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर ऐप्स एंड कोर स्ट्रेंथ। इससे आपका कोर स्टेबिलिटी और ऐप्स सब डेवलप हो जाएगा, और ऑब्लिक्स मसल ओवरऑल ये आपके कोर पर वर्क करता है, जो कि आपका कोर अगर डेवलप होगा तो आपको कंपाउंड मूवमेंट होते हैं जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ये सब में आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो वी शुड फोकस ऑन मोर कोर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी। सो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, प्लान को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को ये पोजिशन में आना है और होल्ड करना है। तो आप जितना डाला टाइम पर होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। अगर आपको ये वाला पोजिशन है बहुत ईजी लग रहा है, अगर आप इसमें 2-3 मिनट आराम से कर पा रहे हो, तो उसके लिए हम लोग के पास एक नया ऑल्टरनेटिव है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन ऑफ प्लैंक है। सो हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसको करने के लिए हम लोग को हाथ को थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है। तो ये है एडवांस लेवल ऑफ प्लैंक। अगर आपको नॉर्मल प्लैंक इजी लग रहा है तो आप ये वाला परफॉर्म कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है। सो ये आप अगर 2-3 सेट इसको भी इंक्लूड कर सकते हो आपके ऐप्स के वर्कआउट में। अगर आप इस पर 30 सेकेंड्स से स्टार्ट कर सकते हो, 30 सेकेंड में डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बिगिनर हो तो, लेकिन जैसे जैसे आप डेवलप हो रहे वैसे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स। अगर आपको ये भी इजी लगा तो फिर आप अपने ऊपर वेट ऐड करके कर सकते हो, आप अपने बैक पे प्लेट्स रख सकते हो, तो इससे आपको डिफिकल्ट कर सके ये वर्कआउट। सो अभी हम अपना लास्ट वर्कआउट ऐप्स का जो इंक्लूड करना है वो है बाइसाइकिल क्रंचेस, जो कि मोस्टली आपके ओवरऑल ऐप्स पे वर्क करेगा, लोअर ऐप्स अपर ऐप्स सब इंक्लूडेड है। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन है, तो बिगिनर्स आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको थोड़ा इसमें सीखने में टाइम जा सकता है। तो इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं नॉर्मल पोजिशन जैसा क्रंचेस वाला, और आपके लेग्स को ऑल्टरनेटली आगे पीछे करना है 1, 2, 1, 2, 1, 2। सो जैसे आप बाइसाइकिल चलाते हो वैसे बाइसाइकिल क्रंचेस नाम है इसका, तो इसको वैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये आपके ओवरऑल ऐप्स में वर्क करता है। सो ये वर्कआउट भी आप यूज इंक्लूड कर सकते हो आपके ऐप्स के वर्कआउट में। सो जिससे आपका ऐप्स थोड़े और मसल्स डेवलप हो जाएंगे, जिससे आपका वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ेगा, जैसे आपको बॉडी फैट कम होगा वैसे भी आपके ऐप्स विजिबल हो जाएंगे ऐसे।
जैसे कि अभी आपने आपको 3-4 वर्कआउट बताया जो आप अपने एप्स के सर्किट में यूज वर्कआउट में यूज कर सकते हो जिससे आपके एप्स में से डेवलप होंगे। बट इसके अलावा अगर आपको एप्स आपके जल्दी डेवलप करने हैं तो आपको हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड करना होगा। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन सोर्सेस अपने फूड में ऐड करने होंगे जिससे आपके मसल्स डेवलप होंगे, मसल्स ग्रो होंगे एप्स के नहीं पूरे बॉडी के। और उसके अलावा अगर आपको बॉडी फैट आपको कम करना पड़ेगा, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको वेट लूज करना पड़ेगा कैलोरी डिफिशिट में आके, जो जिसकी वजह से आपके सब मसल्स इजिली दिख पाएंगे और आपके मसल्स जल्दी टोन दिखेंगे। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।